चलो बच्चों नेक्स्ट काम करते हैं। देखिए अब की बारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर साल के लिए बराबर नहीं रहेगी। अभी जितने भी पीछे हमने क्वेश्चंस किए सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल रहा, अगर अलग अलग रहे तो कैसी बात होती है। ऑन ए सर्टेन सम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 11.9%, वाइल इन सेकेंड ईयर रेट इज 12.5%। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स इज ₹24,00, देन कैलकुलेट प्रिंसिपल। ऑन ए सर्टेन सम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 11:1/9%, वाइल इन सेकेंड ईयर रेट इज 12.5% पर एनम। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स इज ₹24,00, देन कैलकुलेट प्रिंसिपल। अब की बारी देखो बच्चे, दोनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रही, सेम नहीं रही, तो कैसे काम करते हैं। प्रिंसिपल पूछ लो, अमाउंट पूछ लो, सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो जो पहले साल के लिए रेट लगी दैट इज 11.1/9%, परसेंटेज का फ़ायदा उठाते हुए इसको हम लिख सकते हैं 1/9। सेकेंड ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 12.5 यानी कि 1/8। अब इन डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैसे काम होता है चेक करते हैं। यहाँ का मतलब क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ, यहाँ का मतलब होगा 9 to 10, 9 पे 1, और यहाँ होगा 8 to 9। देखो जब इन रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहती थी तो हम इन्हीं की पावर कर देते थे। अब की बार रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम नहीं है तो हर स्टेप पे आपको ऐसे डिफाइन करके लिखना पड़ेगा। अब एक रास्ता ये है, इनके गुना करके लिख दो, यहाँ पे 8 × 9 = 72 और यहाँ 9 × 10 90 रहा। तो देखो यहाँ हमारा जो 72 प्रिंसिपल काम करेगा तो 90 अमाउंट काम करेगा। इससे भी आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 18 रुपये आया। ये 18 रुपये को कितना कहते हैं, 2400, यानी 18 यूनिट का मतलब अगर 2400 है, एक यूनिट का मतलब 18, आपको यहाँ पे प्रिंसिपल चाहिए तो 72 का मतलब निकाल लो, अमाउंट चाहिए तो 90। अभी फ़िलहाल 72 का मतलब देखते हैं कितना होता है, तो गुना में 72, 18 से ये 4 पे गया, दैट इज इक्वल टू 24 × 4, 9600, ये हमारा प्रिंसिपल का आंसर आएगा। तो प्रोसीजर तो सेम ही रहा। देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है तो हमको हर स्टेप पे ऐसे डिफाइन करना पड़ता है, हर ईयर पे डिफाइन करना पड़ता है, नहीं तो हम पावर कर देते हैं, वो मीनिंग सेम ही रह जाता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गए, जो गैप है वो कंपाउंड इंटरेस्ट रहा, उसका मतलब 2400 यूनिट, 18 यूनिट का मतलब 2400 रुपये देते हैं, तो हम 72 का मतलब निकाल दो, अमाउंट निकालना है तो 90 का मतलब निकाल देंगे, राइट। ये बात रहेगी करेक्ट। लेकिन बच्चे थोड़ा सा इसको और इफेक्टिव कर सकते हैं, कैसे, देखो डेफिनेशन वही रहेगी, बिल्कुल सही, 9 to 10, 8 to 9। अगर देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई से कुछ कैंसिल होता कर दो, 9 to 9 कैंसिल, ये 4, ये 5, तो देखा जाए तो क्या बना, 4 to 5, दिस इज प्रिंसिपल, दिस इज अमाउंट, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट रहा, एक यूनिट। एक यूनिट को कितना कहा जाता है इस प्रश्न में, 2400, 4 का मतलब चाहिए तो गुना में 4, 96,
वही अपना आंसर आ गया जो पहले आया था। और पांच का मतलब चाहिए, अमाउंट चाहिए, तो पांच से गुना कर देंगे, राइट? ऐसा कर पाएंगे हम, ओके? तीन साल के लिए होता और तीसरे साल भी रेट अलग होती तो हम जैसे दो का डेफिनेशन दिया ऐसे तीन का डेफिनेशन देके और तीन साल के लिए भी ऐसा ऑपरेट कर सकते हैं, राइट? चलिए, देखो बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट फिर से शुरू कर रहा हूं। हमने थोड़े पीछे पिछली क्लासेस में ये देखा, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल से इन सिक्स इयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों अगर मैं अगले छः साल के लिए इसको लगा दूं तो अगर ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए डबल हुआ तो निश्चित बात है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये कहता है कि अगले छः साल के इंटरवल में ये डबल हो जाएगा, करेक्ट? तो देखो हम यहाँ से एक बात बोलना चाह रहे हैं, एक रुपये छः साल में तो दो बन गए कंपाउंड इंटरेस्ट से, और एक रुपये बारह साल में उसी कंपाउंड इंटरेस्ट से चार बन गए। अगर कोई आपको ऐसा बोले तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो? पहले छः साल में दो हुए, अगले छः साल में चार हो गए, इसका मतलब यही तो है। यानी यहाँ टाइम अगर टी है तो यहाँ टू टी है, यहाँ छः साल है तो बारह है। इस बारह ने ये बताया कि ऐसे छः साल के दो स्लॉट मिल जाएंगे इंटरवल के अपने को, और यहाँ डबल हुआ तो यहाँ भी डबल हुआ। मैंने यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट किया, ये जो मिडल है इस मिडल की मिडल से गुना, क्या पहले और आखिरी के गुना के बराबर होगी? यस ट्रू, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर ये सही है तो क्या मैं जनरलाइज ऐसे लिख दूँ, जो नोट करने के लिए बात रहेगी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ से, पी पैसा टी टाइम में ए वन बनता है, पी पैसा टू टी टाइम में ए टू बनता है, इसका मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँ तो पी पैसा टी टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट से ए वन बनता है और अगले टी टाइम में उसी कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से ए टू बनता है, तो ए वन इंटू ए वन इज इक्वल टू पी इंटू ए टू। आपने नियम तैयार कर लिया, सही बात? और नियम तैयार कर नहीं लिया बेटा, ये तो जीपी सीरीज की तीन टर्म्स लिखी हैं मैंने, और अगर आप जानते हो ए बी सी आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आप पहले से ये बात आई थिंक जानते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, मैंने तो वही लिखा है। लेकिन सकल यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट के स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, जस्ट हमने ये यहाँ से जीपी सीरीज को ही वापस देखा जाए तो रिकॉल किया है, राइट? अब इस प्रश्न कैसे बनते हैं, मैं तो सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि टी टाइम यहाँ पे है, टू टी यहाँ पे है, यानी कि सेम टाइम इंटरवल है, तो ये मिडिल वैल्यू की मिडिल से गुना, यानी मिडिल का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के गुना के बराबर होता है। अब इन तीन में से कोई एक चीज़ छुपाई होगी, बारी बारी से इनको कैलकुलेट करके देखते हैं, राइट? चलिए बढ़ते हैं इस पे आगे। ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज 6600 इन थ्री ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड बिकम्स रुपीज 9900 इन सिक्स ईयर्स एट द सेम रेट।
एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. कैलकुलेट, कैलकुलेट प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात करें. ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 6600 इन 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड बिकम्स रुपीज 9900 इन 6 years एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. कैलकुलेट प्रिंसिपल. राइट, देखो बच्चे जो पीछे हमने तैयारी यहाँ पे की थी उसके अनुसार मैं क्या लिख दूँ, पी पैसा 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से 6600 हुआ और 6 साल में यानी कि अगले 3 साल में उसी कंपाउंड रेट से 9900 हो गया. कैलकुलेट पी, हम तो पहले से तैयार हैं. फर्स्ट और लास्ट की गुना मिडल के स्क्वायर के बराबर होती है. तो ये 00, ये 00 से, ये 33 पे 3, ये 33 पे 2, ये 3 से 2200 और गुना करके प्रिंसिपल कितना आ गया, 4400 इज माई प्रिंसिपल. राइट, तो देखो वही नियम अपने को फॉलो करना था कि मिडल की मिडल से गुना फर्स्ट और लास्ट के गुना के बराबर होगा, जिसमें से हमारा 1, 2, 3 एक चीज़ गायब है. तीनों में से कोई एक चीज़ गायब होएगी, बाकी अपने को कैलकुलेट करनी होगी, जैसे यहाँ प्रिंसिपल गायब था. राइट, तो देखो बच्चों अगर मैं इसमें आपको पॉसिबिलिटीज डिस्कस करके बताऊं कि क्या क्या होगा, डिजिट ही चेंज होंगे, बाकी सिचुएशन कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होएगा. ये प्रश्न मैंने समझा तो अब की बारी में देखो क्या बोलता हूँ, इसी को पूरा स्टेटमेंट पता ही है आपको. अब की बारी 4400 6 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट से 9900 होते हैं, तो मेरा सवाल ये है बताइए 4400 उसी कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट से 3 साल में कितने होंगे. हमें पहले से पता 6600 होंगे, पहुँचे कैसे लेकिन वहाँ तक, है ना. तो देखो 4400 6 साल में कंपाउंड से इतना होंगे, पूछा 4400 3 साल में कंपाउंड से कितने होंगे. हमें ये पता है कि अगर अगले 3 साल और ये कंपाउंड पे लगा दें तो 9900 होगा, है ना. मिडल क्या है यही तो कैलकुलेट करना है. मैं तो ये मानता हूँ मिडल का मिडल से गुना, यानी क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क, एक्स लिख लो, वट एवर लिख लो, ए वन लिख लो, क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क मस्ट इक्वल टू 4400 × 9900. अब मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करूँ, इसका अंडर रूट ले दूँ. अब इसका अंडर रूट लेंगे, देखो 100 × में यहाँ भी है, 100 × में यहाँ भी, यानी कि गुना में 100 तो आएगा ही आएगा. इस 44 का लिखा मैंने 11 × 4, इसको लिखा 11 × 9, 11 × 11 यानी 11 बाहर आएगा, 9 × 4 = 36 यानी 6 बाहर आएगा, यानी 11 × 6 बाहर आएगा. तो बोलो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 6600 आ गई. नहीं पता तो हमें पहले से ही था कि मिडिल वैल्यू कितनी आएगी, 6600, लेकिन हम सिर्फ इस प्रोसीजर को फुल्ली ऑपरेट करके देख रहे थे. राइट, पहला छुपा लो, दूसरा तीसरा बता दो, पहला निकल जाएगा, पहला बता दो आखिरी बता दो मिडल निकल जाएगा, आगे प्रोसीड करोगे पहला और दूसरा बता दो तो थर्ड भी निकल जाएगा. सिमिलरली एक ही प्रोसीजर पे हम तीनों को सोल्व कर सकते हैं. राइट, चलिए एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, देखो इसमें थोड़ा सा ₹4400 becomes 6600 in 3 years at compound interest. CL, calculate amount of ₹4400 after 9 years. ₹4400 becomes ₹6600 in 3 years at compound interest.
कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रुपीज 4400 आफ्टर 9 ईयर्स विद द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो क्या करते हैं, प्रोसीजर वही रहेगा, 4400 रुपये 3 साल में इस कंपाउंड रेट से 6600 हो गए। अगले 3 साल में क्या होंगे मत लिखो, अगले 3 साल में क्या होंगे पर बताना पड़ेगा। अभी मैंने 3 के बदले 6 बताया, 6 के बदले 12 बताया, लेकिन आपके पास 3 के बदले 9 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये हम 3 साल के इंटरवल में ये चेक कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने का तरीका क्या है, किस गुना से, किस मल्टीपल से गए हैं। सिमिलरली सब में वही ऑपरेट होता रहेगा, है ना। क्या करें, यहाँ से यहाँ देखो मुझे डबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कितना होगा ये टेंशन मत लो, देखते ही पता लग जाए तो बहुत बढ़िया है। ना तो क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तुरंत कुछ न कुछ मल्टीप्लाई, कुछ न कुछ मल्टीपल सॉरी, आपको पता लग जाएगा, यानी कि 1.5 गुना 3/2 times, राइट। अब हर बारी 3 साल के इंटरवल में 3/2 times होता रहेगा, यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3/2 करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3/2 करना पड़ेगा, यानी 6600 को यहाँ भी 3/2 गुना कर दो, यहाँ भी 3/2 गुना कर दो, अब ऑपरेट कर दो। तो देखो ये 2 गुना 2 4, 4 से मैं इसको काट रहा हूँ तो 4 × 1 = 4, 2 बचेगा 24, 4 × 6 = 24, 2 बचेगा 0, 4 × 5 = 0, और ये यानी 1650 को मैं अब 9 से गुना कर दूँ, 900, 9 × 5 = 45, 4 रहा, 9 × 4 = 36, और 4 = 40, फिर 4 रहा, 9 × 1 = 9 = 4 = 13, ये हमारा रुपए में आंसर होगा आफ्टर 9 ईयर्स। ऐसे कर सकते हैं, राइट। जल्दी से बस इतना सा काम आप कर सकते हो, अगर आप पता कर पाए कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना हो गया, 1.5 गुना 3/2 times, है ना। तो देखो इससे कर लो काम या इससे कर लो, भी दिया है तो 6600 गुना में 3/2 है, इसके बाद एक स्लोट ये सीधा सीधा 3/2 power 2 करके ये ले आओ, इस तरीके से हम अपना आंसर दे सकते हैं। बट ये लिखने के पीछे रीजन लॉजिक कॉन्सेप्ट सारा यही का ही रहेगा, राइट। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो बच्चों रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% वार्षिक है, यदि ब्याज छमाही पर दे हो तो वर्ष भर के लिए प्रभावी दर क्या होगी, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट बीइंग कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दे रखा है बिकॉज ऑफ हाफ ईयरली, तो 5% हो जाएगा। अब देखो अगर आप बेसिक पे जाओ तो पहली बारी 6 महीना फिर 6 महीना, जिसको हम कहते हैं टाइम 2 साल हो गया, 2 साल नहीं होता, 2 बारी हो जाता है, पहले बारी 5 लगेगा, फिर 5 पर 5, फिर 5 तो रहेगा और इस पर भी 5 का 5 लगेगा, तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर देंगे। तो देखो 5 ये 5 ये 10 और 0.25 यहाँ से आ गया, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का रहा 10.25 पर ईयर। ये क्या बिल्कुल सेम वैसा नहीं है जो हम परसेंटेज में ये फॉर्मूले से सोल्व करते थे, आप चाहो तो उस पर लगा दो, यहाँ एक्स भी 5 है वाई भी 5 है और ये 5 × 5 सोल्व करके आप यहाँ पहुँच सकते हो, इसको भी चाहो तो ऑपरेट कर सकते हो।
जब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे निकाला जाए, राइट। हाफ ईयर ईयरली था, हाफ ईयरली माने दो बारी ब्याज मिलना है, दो बारी पे दस दस तो नहीं रहेगा क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो कैसे फाइनली इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो हम इससे या इससे ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। कई बारी ये हाफ ईयरली निकाल के थोड़ा सा इसको बदलते हैं, कैलकुलेट यूं कहीं रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10% पर एन, कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर टू ईयर्स। आपके पास हाफ ईयरली नहीं जा रहे, ब्याज की दर 10% वार्षिक दर है, तो दो साल के लिए टोटल जो रिजल्ट निकलेगा सिंपल होता 10 × 2 = 20 निकल जाता, तो यहाँ कितना निकलेगा। सिमिलरली जो अभी तक हमने काम किया 10 + 10 + 10 × 10/100 करके देखो कितना परसेंट आ गया, 21% आ गया। वही ब्याज पर ब्याज लगने वाले, 10 पर 10 लगेगा तो 1 लग जाएगा, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 21%, राइट। बड़े इजी पॉइंट है, लेकिन ये इजी पॉइंट देखना बच्चों अब आपके लिए बड़ा अच्छा काम करने वाले हैं। प्रोसीड करें, देखिए डिवाइड ₹25,000 इन टू पार्ट्स, टू पार्ट्स इन सच ए वे दैट कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट 10% पर एनम इज सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम सेकेंड पार्ट एट 5% पर एनम। कैलकुलेट देखो बच्चों, यहाँ से जो चॉइसेस बनती हैं, कैलकुलेट नंबर एक फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट, नंबर दो सेकंड पार्ट, नंबर तीन डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्ट्स। कोई एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, कोई एक प्रश्न यहाँ से एक्सपेक्टेड है, हम तीनों को देखते हैं कैसे काम करेंगे। देखो बच्चों, मुझे ये 25,000 को दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि पहले पार्ट का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आए और दूसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आए वो बराबर आए। लेकिन बच्चों स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम है, यहाँ हमने ये नहीं बताया कि ये कितने साल के लिए हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। डिवाइड ₹25,000 इन टू पार्ट्स इन सच ए वे दैट कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट 10% पर एनम फॉर टू ईयर्स, ये प्लीज़ सुधारेंगे, फॉर टू ईयर्स इज सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम सेकेंड पार्ट एट 5% पर एनम फॉर टू ईयर्स। दोनों में दो साल की बात लिखनी पड़ेगी, ये प्लीज़ पहले सुधारेंगे उसके बाद आप आगे ऑपरेट करेंगे, राइट। 25,000 रुपये को दो पार्ट में ऐसे बांटना है कि मान लिया पहला पार्ट P1 है तो दूसरा पार्ट P2 है, यहाँ पे 10% का रेट लगेगा और टाइम यहाँ पे दो साल की, और यहाँ भी रेट 5% है पर टाइम दो साल है, लेकिन यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ का कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में बराबर दिए हुए हैं। ये है प्रश्न जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया। तो क्या करते हैं बच्चों, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता तो 10 × 2 = 20 और 5 × 2 = 10, यहाँ का 10 यहाँ का 20 आपस में बराबर होता, लेकिन कंपाउंड हम ऐसा कर नहीं सकते ना,
कंपाउंड में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के हमें काम करना पड़ेगा। तो बताओ 10% एक साल में, तो दो साल में अभी हमने देखा था 10+10 कितना बन जाएगा, यहाँ जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 21% मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा अभी पिछले एग्जांपल से हमने किया 5, 5 पर भी 5, तो यानी कितना 10.25 बन जाएगा, राइट। तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि 21% ऑफ P1 इज इक्वल टू 10.25% ऑफ P2, ये आपस में बराबर होगा, ये आप यहाँ गिवन है सेम एज, राइट। तो यहीं से अपना सारा काम शुरू होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से P1 और P2 का रेशो निकाल लेंगे, P1 P2 का रेशो निकाल लेंगे और परसेंटेज की मदद से ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, और उस रेशो में हमें 25,000 को बांटना है, राइट। लेकिन देखो बच्चों, अगर ये बात आप समझ पाए हैं तो अपने को ये लिख के नहीं बताना किसी को। यहाँ जो रेशो आएगा 10.25 रेशो 21, इसमें हम 25 को बांट के अपने पार्ट्स निकाल लेंगे, सीखने के लिए अच्छा है, बेसिक आपके पास ये होना चाहिए। लेकिन हम स्ट्रेट काम करेंगे, अब इस 25 को मुझे इसमें बांटना ना, ये लेके आना है, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसा काम ही नहीं करते। और देखो कैसे प्रोसीड करना है, यही आएगा लेकिन सीधे सीधे काम करते हैं। 10% दो साल, पहले पार्ट में 10% दो साल, आपको 10 से 21 पे आना कैसे आना ये पता है तो ठीक है, वरना सीधे सीधे 10 + 10 × 10 = 100, रिजल्ट 21। सब ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट पे 5 + 5 × 5 = 100, यानी 10.25% है, राइट। यहाँ जो लगेगा इंटरेस्ट वो 21 और यहाँ जो लगेगा वो 10.25 लगेगा, है ना। अब हमको इस 21 और 10.25 रेशो में ये 25,000 को बांट देना है। या तो मैं दोबारा से लिख के आपको ये बताऊं कि P1 का लिए डिजिट क्या आएगा, P2 के लिए डिजिट क्या आएगा, लेकिन यहाँ एक बात देख के बताओ, ये दोनों का इंटरेस्ट आपस में बराबर आएगा। पहले पार्ट पे 10% है दो साल है, दूसरे पार्ट पे 5% है दो साल है। देखो वहाँ रेट ज़्यादा है, टाइम बराबर, यहाँ रेट 5 है, टाइम 2 ही साल है, यानी कि जो दूसरे हिस्से का, सॉरी जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे मनी ज़्यादा है। तो मैं देखो ये बोलता हूँ, ये आपस में बराबर होंगे, रिवर्स करके हम इनका रेशो निकालेंगे 10.25 रेशो 21, ये हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का रेशो बनेगा। चाहो तो सुधार लो इसको, इसको पॉइंट में नहीं छोड़ते। देखो 0.25 25 पैसा है, एक रुपये बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा इसको, इसे भी 4 से गुना कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 41 और यहाँ पे बन जाएगा 84। तो देखो जो हमने बात की थी, दूसरे पार्ट का डिजिट भी ज़्यादा आया। अब पॉइंट शुरू करते हैं, अब शुरुआत, मानो मुझे क्वेश्चन नंबर एक ही निकालना है, मतलब फर्स्ट पार्ट निकालना है, मतलब 41 का हिस्सा निकालना है। तो बताओ देखो क्या करें, ये 41, ये 84, या तो इनको 25,000 को इनमें बांट दो जैसे आपको बांटना आता है, 25,000 नीचे 125 गुना में 41, ये सीधे सीधे से डबल पे, यानी कि 8,200 रुपये फर्स्ट पार्ट। अगर ये चाहिए तो बस यहीं पे अपना पूरा हो जाएगा। अगर मुझे सेकंड पार्ट चाहिए तो मैं फर्स्ट को कैलकुलेट ही नहीं करूँगा, मैं इस 25,000 के नीचे 125, जानते ना सम ऑफ रेस हो जाता है, ये तो रहेगा रहेगा, सीधे सीधे मैं बस 84 पे बात करूँगा, 84 क्योंकि सेकंड पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर यहाँ पे दो देखो 0, 0, ये 8 और ये 16, हमारा आंसर आएगा 16,800 रुपये। अगर मुझे सिर्फ थर्ड पार्ट चाहिए, माने डिफरेंस ही चाहिए, मैं ना तो पहले को कैलकुलेट करूँगा ना तो दूसरे को कैलकुलेट करूँगा, तो ये जो 25,000 है नीचे 125 गुना में, देखो इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है, 43 का डिफरेंस हुआ ना आपकी बारी, तो मुझे सिर्फ इंटू 43 करके अपने डिफरेंस की तरफ बढ़ना है, यानी कि 0, 0, 6,
और 8 होगा, राइट। तो देखो वो जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया उससे बचते हैं, और यहाँ का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ का इफेक्टिव, ये आपस में बराबर होंगे क्रॉस करके, परसेंटेज में आपने ये चीज़ पढ़ी है, रेशो बना लिया। देखो दूसरे डिजिट दूसरे हिस्से का डिजिट बड़ा आएगा, जो कि यहाँ से हमने एनालिसिस किया था। उसके बाद ये जो 25,000 रुपये है इसको बांटना इस रेशो में है, 25,000 नीचे सम ऑफ रेशो, इंडिपेंडेंट बात करेंगे। फर्स्ट चाहिए 41 अलोन, ख़त्म। सेकंड चाहिए 84, थर्ड चाहिए, तो इनके डिफरेंस को ही आप नोट करोगे, राइट। ओके, फिर से बात करूंगा इसका सॉल्यूशन, अब वन पॉइंट पे मैं लेके आऊंगा, क्योंकि देखो 3% तो अपने से पूछने वाला कोई है नहीं, या तो फर्स्ट पार्ट पूछेंगे या तो सेकंड पूछेंगे। अब कैसे काम करते हैं, देखो ये सब डिस्कशन के बाद मेरे को ये जानकारी होनी चाहिए, 10% 2 साल के लिए सीधे सीधे 21 कैसे आया, राइट। 10.25 दूसरे के लिए, हम पॉइंट में डील नहीं करेंगे, यहाँ 4 गुना क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि ये पॉइंट हटाने के लिए 41, सिमिलरली यहाँ भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई होगा 84। अभी कोई डिसीजन नहीं लेते किसको किधर भेजना है, ये पक्की बात है कि 25,000 को बांटना है, इसी में बटेगा, उल्टा होके बटेगा, इन दोनों का सम नीचे 125। इसके बाद जो चाहिएगा एक ही स्टेप पे मैं बात करूँगा, से मुझे सिर्फ सेकंड पार्ट चाहिए। अब सेकंड पार्ट के लिए ये मल्टीप्लाई करूँ कि ये क्वेश्चन पढ़ते हुए मुझे पता लग गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ कम है, टाइम 2 साल, वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 2 साल, यहाँ रेट कम है फिर भी ब्याज बराबर मिलता है, यानी कि दूसरा पार्ट ज़्यादा है, और यहाँ पे ज़्यादा कौन है, 84, तो सीधे सीधे 84 पे करो और जो अपना आंसर आता है ले आओ, राइट। तो देखो मैं पूरा बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, 10 दो साल के लिए 21 सब जानते हैं, 5 दो साल के लिए 10.25, इनको यूज कर लो या मैं चाह रहा हूँ पॉइंट हटा लो, पता लग जाएगा 50 पैसा होता 2 गुना करते, 25 पैसा 4 गुना करते, 84 41। इस पैसे को बांटना है इन दोनों में, नीचे इन दोनों का जोड़ पहुंचा दो। इसके बाद ये सब में कॉमन है, इसके बाद देखा यहाँ 10% है, यहाँ 5% है, दूसरा हिस्सा ज़्यादा है, पहले हिस्सा कम है, तो ज़्यादा से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा हिस्सा आएगा, कम से मल्टीप्लाई करोगे पहला आएगा, क्योंकि पहले हिस्से को कम ही मिलना है। या यहाँ पे मैं यूँ भी तैयारी करा सकता हूँ, देखो ये तो कॉमन रहेगा, राइट। पहले से गुना करोगे दूसरा आएगा, दूसरे से गुना करोगे पहला आएगा, ये भी काम करता है, राइट। और अगर मुझे पहले से गुना किया तो सेकंड पार्ट आया, P2 आया ना, सेकंड पार्ट आया। अगर मैं यहाँ 41 से मल्टीप्लाई करता तो फर्स्ट पार्ट आता, अगर मुझे थर्ड पार्ट ही चाहिए होता तो भी 25,000 नीचे 125 तो बदलेगा ही नहीं, सब में कॉमन, पहला गुना किया दूसरा आएगा, दूसरा गुना किया पहला आएगा, मुझे डिफरेंस चाहिए तो सीधे सीधे डिफरेंस से ही मल्टीप्लाई कर दो और इससे आपका आंसर आ जाता है, राइट। गॉट इट, चलिए आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा बदलाव और करते हैं इस प्रश्न में, अभी देखिए कैसे। यहां कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर करके मैंने आपको बटवाया है, तो अगली बारी अमाउंट पे बात करता हूं मैं। डिवाइड ₹110,500 इन 2 parts, इन 2 parts इन सच ए वे, इन सच ए वे दैट अमाउंट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट 10% पर एनम, कंपाउंड अमाउंट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट 10% पर एनम फॉर फाइव ईयर्स इज
सेम एज अमाउंट फ्रॉम सेकेंड पार्ट एट 10% पर एनम फॉर सेवन ईयर्स. कैलकुलेट, फिर से मेरे पास वही 3% है. नंबर एक फर्स्ट पार्ट, नंबर सेकंड सेकंड पार्ट, और नंबर थ्री थर्ड पार्ट. सॉरी, डिफरेंस बिटवीन दीज पार्ट्स, डिफरेंस बिटवीन दीज पार्ट्स. तो देखिए, वहां कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर था, यहां पे अमाउंट बराबर है. देखो, सबसे सरल बात करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां और यहां दूसरे केस में बराबर मिलेगी. ये रही, दोनों जगह बराबर मिलेगी, होगी ही बराबर. यहां समय अलग अलग होगा, रेट इक्वल होगी. रेट अगर अलग अलग हो जाएगी तो बहुत मिसमैचिंग कैलकुलेशन हो जाएगी, जो कि पेपर में एलिजिबल नहीं होती है. अगर यहाँ कुछ और लिख दिया तो क्वेश्चन रेंज से बाहर चला जाता है, बराबरी रहेगी. क्या करो आप, ये जो रेट है ना 10%, इसका फ्रैक्शन बना लो, दैट इज़ 1/10, 10 पे 1, यानी ये बन गया 11/10. और सुनो, 11/10 का पावर इनके टाइम का डिफरेंस कर दो, जो कि बन जाएगा 121 नीचे 100. जानते हो बच्चों क्या बन गया, ये बन गया उन प्रिंसिपल्स के डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो. ये 110,500 का डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, ये बन गया P1/P2. प्रिंसिपल ये 1, तो प्रिंसिपल 2 ये 100 से रिप्रेजेंट होगा. पता कैसे लगेगा कि पहले वाला है वो 121 है, वो P1 है. तो देखो, पहले वाले के पास 10% से 5 साल और दूसरे के पास 10% से 7 साल. इसका मतलब पहले वाला ज़्यादा होगा, इसलिए पहले वाला हुआ. अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर एक निकालना है तो 110,500 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, यानी 221 और गुना में 121 कर दोगे तो फर्स्ट पार्ट आएगा. क्या ये डायरेक्टली इसको 5 पे कैंसिल करता है? बिल्कुल. तो 0, 0 और 5, 1, 5, 12, 5, 60 बना दिया आपने, राइट. तो देखो, फर्स्ट पार्ट चाहिए तो मैंने गुना में 121 कर दिया, सेकंड चाहिए तो उस जैसे पीछे था, ये सब में कॉमन रहेगा. 11,0, 500 कॉमन रहेगा, नीचे 221 रहेगा, इनटू सेकंड पार्ट चाहिए तो गुना में 100 कर देंगे, फिर से ये 5 पे, तो आंसर कितना आ गया, 50,000 आ गया, राइट. और अगर मुझे डिफरेंस चाहिए, माने ये पार्ट चाहिए, तो यहीं सोल्व कर देते हैं. डिफरेंस चाहिए तो भी 110,500 तो रहेगा, 221 रहेगा, इंटू अब की बार इनमें डिफरेंस कितने का है, 21 का, तो इंटू 21 कर दो, ये इधर 5, तो बताओ 0, 0 ये दो रही, 21, 5, 105, अपने तीनों आंसर मिल जाते हैं, राइट. ऐसे प्रश्न में या तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर बोलते हैं या अमाउंट बराबर बोलते हैं, दो ही स्टेज पे ये बात करते हैं हमसे. और कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा है तो पिछले प्रश्न की तरह काम करोगे, अमाउंट लिखा है तो ऐसे काम करोगे. बेटर वे है, सबसे अच्छी बात यही रहेगी, परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाओ, 1 जोड़ दो, 2 हो तो 2 जोड़ दो, 10 और 1, 11, इसकी पावर टाइम जो भी ये दिए हैं इनका डिफरेंस कर दो. पावर मैक्सिमम या तो यहाँ पे 7-2, जैसे 7-5, 2 आई है, या तो पावर 2 रहेगी या तो पावर 3 रहेगी, बहुत होता है, इतने लेवल पे ही बात करते हैं ये. तो 121 और 100, पता करो कि बड़ा कौन है. देखो, पहले वाले के पास समय कम है, इसका मतलब पहले वाले के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए. अब उसके बाद टारगेटेड बात करो, अगर मुझे फर्स्ट स्टेप चाहिए ना, मतलब फर्स्ट पार्ट चाहिए ना, कुछ नहीं काम करना, 110,500 नीचे इनका सम इनटू फर्स्ट मल्टीप्लाई, मेरा आंसर. दूसरा चाहिए तो दूसरे पे बात करो, डिफरेंस चाहिए तो सिर्फ डिफरेंस पे बात करो, राइट. ये काम करते हैं, ओके. तो देखिए बच्चों, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पार्ट बचा, दैट इज इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट लेस इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी एक पार्ट है,
तो स्टॉप कर दो इसको। इंस्टॉलमेंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट्स इन कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट पॉइंट रहता है बच्चों। देखो क्या होता है, हम कोई पैसा उधार ले लेते हैं और उसको किस्तों में चुकाना होता है। किस्तें सिंपल इंटरेस्ट में भी होती हैं, किस्तें कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होती हैं। तो अपने को आज कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करनी है। कैसे वर्क करता है देखो, ये रुपीस 11,000 इज टू बी रिपे इन टू एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एट 20% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बच्चों बराबर होती है, इसलिए उन्होंने लिखा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। रुपीज 11,000 इज टू बी रिपेड इन टू एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 20% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखो बच्चों क्या करते हैं, ये पैसा हमने उधार लिया, एक साल बाद कुछ पैसा देंगे, अगले साल भी कुछ पैसा देंगे और हमारा ये जो लोन है कंप्लीट हो जाएगा, चुकता हो जाएगा। प्रोसीजर क्या है, क्या काम करें, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप फ्रैक्शन बना लो 1/5 या 10-12 कर देना, 5-6 कर देना, मर्जी चलेगी आपकी, जो चाहो उसमें कर सकते हो। देखो ये हुआ 5-6, क्योंकि देखो यहाँ पावर एक एक है ना, तो ये फर्स्ट ईयर की बात हुई, हमें दूसरे साल तक जाना है, दूसरे साल में इनका पावर 2-2 हो जाता है, जब तीसरे साल पे हम जाएंगे तो पावर 5/3, 6/3 करते हैं। तो देखो क्या होता है, इधर वो लिखा होता है जो पैसा हमने एक साल में 5 रुपये उधार लिया तो 6 देना पड़ेगा, 25 लिया तो 2 साल बाद 36 देना पड़ेगा, राइट। यहाँ जो होता है वो इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट जो हमें चुकानी है वो है ये इंस्टॉलमेंट, पर वो इंस्टॉलमेंट तो कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मुझे दिख रहा है कि ये तो 36 है, ये तो 6 है, बराबर नहीं है। इस प्रश्न में खेल यही है, हमें इंस्टॉलमेंट को इक्वल करना है। तो ये 6/2 है, 6/1 है, तो बताओ यहाँ 6 से गुना कर दूँ, तो यहाँ भी 6 से गुना कर दूँ, राइट। ये वो हो गया जो हमने टोटल लोन लिया, ये वो हो गया जो हमने इंस्टॉलमेंट में चुका दिया। तो बताओ 6×5=30 तो ये, और 25 ये, तो टोटल मिला के हमने कितना रुपए उधार लिया, यहाँ से देखा जाए तो 55 रुपए के बदले कितना चुकता कर दिया, 36 ये और 36 ये 72, 55 के बदले 72 हमने पे किया। लेकिन ये 72 बच्चों हमने ना एक ही बारी में नहीं दिया, ये हमने दो इंस्टॉलमेंट में दिया, यानी कि एक साल पे 36 फिर एक साल पे 36। और देखो पूछा क्या गया है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मुझे ये नहीं बताना कि टोटल कितना पेमेंट मैंने वहाँ पे दिया उनको, मैंने एक साल में एक इंस्टॉलमेंट में कितना दिया वो बताना है। 55 रुपये के बदले मैंने टोटल कितना दिया, 72, पर एक साल नहीं, एक बारी नहीं, दो साल में दिया, एक साल में कितना दिया 36। और पूछा भी क्या है, इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट पूछा है, तो यहाँ टोटल मत लिखो, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू लिखो, क्योंकि इसको सोल्व करने से जो आएगा डिजिट वो ऑप्शन में होगा और हमसे गलती हो जाएगी, हम वही फिल कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, उसी पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अपने को रेक्टिफाई करनी चीज़, हम यहाँ पे 72 नहीं लिखेंगे, और बताओ 55 रुपये के बदले जो इंस्टॉलमेंट मैंने दी वो कितने की दी, 36 रुपये की, 1 रुपये के बदले में कितना दूंगा 55, और फाइनली अपने को कितने का लोन चुकता करना है, 11,000 का। तो बताइए 11,000 के बदले कितना देना पड़ेगा, तो गुना में 11
हज़ार और 55 का ये डबल रहा, 200 पे कैंसिल हुआ, 36 का डबल 72, तो 72 इज माई आंसर वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे मैं 70, 36, 36, 72 लिखता तो ये सोल्व करने से आता 14,400, फिर मुझे बाई टू करना पड़ता, तब 72 आता, क्योंकि 14,400 मैंने 2 साल में दिया और 1 साल के लिए बात करते हैं तो बाई टू करना पड़ेगा, या तो वो कर सकते हो पर जल्दबाजी में गलती होगी और 14,400 वहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा, 14,400 टोटल पेमेंट होगी, पूछे हैं वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, तो हमें ध्यान रखना है हम यहाँ टोटल ना करके इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ही यूज़ कर लें तो बेटर होगा, राइट ओके। ये 3 साल पे भी जाएगा, पर बच्चों यहाँ से ना एक चीज़ मैं और आपको सिखा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को पलट रहा हूँ, देखो कैसे। इन्होंने कहा 11,000 रुपये 20% से 2 साल में किस्तों में चुकाने हैं, किस्त आपने निकाल ली 7200। अब मैं क्वेश्चन को पलट देता हूँ, इंस्टॉलमेंट है 72 और 2 साल पे 2 साल तक इंस्टॉलमेंट देना है, रेट मेरा 20% का ही है, तो बताओ ना शुरू में कितना लोन लिया था, कितना पैसा उधार लिया था, पलट दो प्रश्न को, यही तो आएगा 1100। अब की बारी वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट दे रखी है, टाइम दे रखा है कितने साल तक देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, तो पूछना है कितना लोन लिया था, कितना आपने प्रिंसिपल शुरू में बोरो किया था। अब इस क्वेश्चन को हम पलट रहे हैं, जो 11,000 था वो निकालना आपकी बारी, जो उधर 7200 निकाला वो गिवन था, जस्ट रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे, राइट तो कुछ नहीं बदलना, यहाँ के बाद मामूली सा चेंज होएगा, सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, ये 20% रहेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, पहले साल 5 से 6 होगा, ये मिटा लेते हैं, 5 से 6 होगा, दूसरे साल 5 पावर 2, 6 पावर 2 होगा, इंस्टॉलमेंट बराबर ही देनी है तो इनको बराबर करेंगे, फिर से 6 गुना करेंगे, फिर से 6 गुना करेंगे, वही 30, 25, 55 हो जाएगा, और 55 के बदले 72 दोगे टोटल, लेकिन एक इंस्टॉलमेंट 36 के दोगे, है ना। तो देखो अब की बारी ये निकालना है और ये गिवन है, बोलो 36 नहीं, ये कितना बोलते हैं उसको 7200, मतलब हम जो इंस्टॉलमेंट देंगे वो 7200 की देंगे, तो 36 का कितने गुना है, ये 200 गुना, तो इसका मतलब यहाँ भी 200 गुना होगा, तो वापस देखो 11,000 पे आ गए। हमें पता लग गया कि हमने जो लोन वहाँ पे लिया था, जो शुरू में पैसा उधार लिया था, वो 11,000 हुआ, डिजिट वही है, तो एक्सप्लेनेशन में इजी रहेगा, आपको समझने में इजी रहेगा, इसलिए मैंने इसी क्वेश्चन को पलट दिया। अब की बारी 7200 एक इंस्टॉलमेंट 2 साल में ऐसे देना था, 2 साल थे, 20 रेट था, आपसे पैसा उधार लिया वो पूछा था, पहले प्रश्न में पैसा उधार लिया वो बता रखा था, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछी थी, दोनों प्रश्न इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, बेस तो यही रहेगा ना, क्या जो रेट है उसका बना के फ्रैक्शन बना के उसका भिन्न, और पहले साल एज इट इज, दूसरे साल पावर दो दो, इन केस अगर पावर तीन साल तीन है तो पावर तीन तीन हम करने लग जाते हैं यहाँ पे, है ना, या तो ये दे के इंस्टॉलमेंट पूछेंगे, इंस्टॉलमेंट दे के ये पूछेंगे, यही प्रश्न इसमें होता है, डन। एक प्रश्न 3 साल के लिए और करते हैं, उसके बाद इस सेशन का एंड करेंगे। बच्चों देखो 3 साल के लिए एक स्टेप एक कैलकुलेशन बढ़ जाती है, मामूली से प्रोसीजर वही रहता है, कोई खास चेंज नहीं होएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, मैंने 2,522 रुपये इस टू रिपे इन थ्री एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 5%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इच इंस्टॉलमेंट, ₹2,522 इज टू रीपे इन थ्री एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 5% पर एनम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इच इंस्टॉलमेंट। प्रोसीजर सेम रहेगा, जहाँ 2 तक रुके थे अब की बारी 3 तक जाना पड़ेगा, बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, 5% माने 1/20 होता है, यानी मैं पहली बारी लिखूं, इधर से शुरुआत करता हूँ, यानी पहली बारी लिखूं 20 से 21
दूसरे साल जाऊंगा 20 पावर 2 से 21 पावर 2 जाऊंगा, 20 पावर 3 से 21 पावर 3 जाऊंगा, क्योंकि 3 साल तक की बात है। जानते हैं बच्चे, हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखते हैं और इंस्टॉलमेंट तो इक्वल दे रखी हैं, लेकिन ये तो पावर 3 है, ये तो पावर 2 है, ये तो पावर 1 है, हमें इनको बराबर बनाने के लिए बताओ क्या यहाँ सिंगल 21 से गुना करना पड़ेगा, 21 से गुना करना पड़ेगा, जो यहाँ करना पड़ेगा वही यहाँ पर करना पड़ेगा। ये 21 पावर 3 हो गया, यहाँ 21 पावर 3 करने के लिए 21 पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 21 पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपना टारगेट क्या होता है, यहाँ की वैल्यू को बराबर करने, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो यहाँ मल्टीप्लाई होगा वो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। अब देखो क्या होगा, इनका आपस में मैं अगर सम कर दूँ तो ये वो लोन हो जाएगा जो हमने शुरू में लिया, और यहाँ से किसी एक को उठाऊंगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट। देखो थोड़ा सा मैं इसको रेक्टिफाई करूँ, इसको यहाँ वापस लिख देते हैं। रेट यहाँ पे 5% था, जिसको मैंने फ्रैक्शन में 1/20 बनाया और आगे बढ़े इससे। अब यहाँ मैं देखो इनकी कैलकुलेशन के लिए जगह बना रहा हूँ, 21 का स्क्वायर 441 को 20 से गुना करेंगे तो 8840, 400 को इससे गुना करेंगे तो 8400, इसको 8000, तो देखो इनको जब मैं जोड़ दूंगा तो जोड़ो 0, आई एम सॉरी, ये इतना होगा, ये 0, ये 2, ये 2 और ये 25, यानी हमने यहाँ जो इकट्ठा किया वो किया 25220। तो बताओ 25,220 के बदले जो इंस्टॉलमेंट बनी, टोटल मत लिखो, जो इंस्टॉलमेंट बनी वो इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, एक बार लिख लो 9261, राइट। ये जरूर इसका कोई ना कोई मल्टीपल ही मिलता है, इसका जैसे यहाँ 0 फालतू है, 10 से भाग करना पड़ेगा, इसका डबल मिले, ट्रिपल मिले, जितना भी मिले, इतने पैसे के लिए ये एक के लिए कितना है, ऐसे काम करके यूनिट्री से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ से 1 0 हटानी है, 10 से भाग करना है, तो यहाँ 10 से भाग करने का मतलब ये हो जाएगा, यानी कि 926.1 रुपये की हमारी एक वार्षिक किस्त होगी इस लोन को रीपे करने के लिए, राइट। 3 साल से ज़्यादा इंस्टॉलमेंट बच्चों नहीं जाती है, मैक्सिमम 3 साल तक का रहता है। वैसे इंस्टॉलमेंट लेस इंपॉर्टेंट होती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यहाँ आके कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर अपना एंड होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत मज़ा आया होगा, और ये चीज़ें जो शुरू से आखिर तक आपने स्टेप बाय स्टेप समझी हैं, ये इस चैप्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए आपको बहुत फ्रूटफुल रहेगी। ओके, नमस्कार दोस्तों।